सुल्तानपुर के सांसद और पूर्व मंत्री के साथ भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को बेचारा बताया। मीडिया ने उनसे सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम भुवाल निषाद का आरोप है कि आप कभी क्षेत्र में रहती नहीं है। इस पर मेनका गांधी ने जवाब देते हुए क्या क्या करें उस बेचारे का, वो पहली दफा आया, उसको क्या मालूम इस क्षेत्र के बारे में। मेनका गांधी ने क्षेत्र में किसानों की फसलें और मकान आग से जलने पर दुख जताया। उन्होंने कहा जिन किसानों की फसलें आग से जल गई हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हमने फायर ब्रिगेड को रखा है लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, फायर ब्रिगेड इधर से उधर घूम रहे हैं, बहुत दुकानें जल रही हैं, लोगों के घर भी जल रहे हैं, बहुत अफसोस हुआ है हमें, अब मुआवजे के बारे में हम देखते हैं। उन्होंने धाम के बदले परिवेश पर कहा कि हम बहुत खुश हैं, इतने सालों के बाद धोप आप इतना सुंदर बना है। वहीं उन्होंने उपलब्धियां बताते हुए कहा कि गांव में सड़कों का जाल, 700 नए ट्रांसफार्मर, जर्जर तारों को बदलने का काम हुआ, शहर में सड़कों के चौड़ीकरण से जाम की समस्या खत्म हो गई है, वाहनों को एक स्थान पर खड़ा करने के लिए पार्किंग जोन और एक जगह फल और सब्जी आदि सब कुछ मिल सके इसके लिए वेडिंग जोन बनाया गया है।